ईयर कैंडिडेट्स, वेलकम टू आई एफ एस। अगर आप गेट 2024 को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है, उसमें फेलियर आया है एग्जामिनेशन में कुछ रीजंस की वजह से, तो टेंशन मत लीजिए। ये अटेम्प्ट आपसे ज़रूर क्लियर होगा। आपके पास अभी 1.5 मंथ है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो गेट के लिए हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है, उन कोर्सेज के लिए एनरोल करें। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बेस्ट बुक मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसके लिए भी आप परचेस कर सकते हो। तो क्या ऐसे रीजंस है जहां से एस्पिरेंट्स आर नॉट एबल टू क्रैक गेट एग्जामिनेशन? क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि एग्जैक्टली क्या रीजंस होंगे कि ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो रही है, क्या ये एग्जामिनेशन सच में उतनी डिफिकल्ट है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, कुछ रीजंस होते हैं हमारे, कुछ वही हम देखेंगे कि क्या आपसे गलतियां हो सकती है या हो चुकी है, और इस अटेम्प्ट में आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है। तो चलिए देखते हैं फर्दर कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, क्या गलतियां आपसे हुई है। तो फर्स्ट, लैक ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले आपका लास्ट अटेम्प्ट क्यों क्लियर नहीं हो रहा था, क्यों ये एग्जामिनेशन आपसे क्लियर नहीं हो रही है? तो लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन में अगर आपसे कोई कमी रह जाती है तो ये एग्जामिनेशन क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने कुछ प्रिपरेशन में कुछ कमी छोड़ दी, आधा पोर्शन कवर कर लिया, आधा सिलेबस कवर कर लिया और बाकी का सिलेबस किया ही नहीं, कुछ पॉइंट्स रह गए और उसी से आपको क्वेश्चन आ गए। क्योंकि एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। क्वेश्चन पेपर कोई भी बता नहीं सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। हम ये बता सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कौन सा है, क्या है, लेकिन बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने वही पॉइंट नहीं किया है तो वहाँ पर आपके पॉइंट्स, आपके मार्क्स जो है वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट क्या रहेगा, क्या होगा आपका, कि इन इफेक्टिव स्टडी मेथड्स। और यहाँ पर आपका जो स्टडी मटेरियल है, आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी स्टडी मेथड्स यूज कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी गेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो अच्छा क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। IFAS में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर गेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सही स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एक्सपीरियंस फैकल्टी ने ये स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है, तो इस स्टडी मटेरियल के लिए आप ज़रूर परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी है, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, चेक कीजिए, वहाँ पर आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उसी के साथ साथ हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है गेट एग्जामिनेशन के लिए। एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज है, DPPs है, इस कोर्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो वीक फाउंडेशन। अगर आपका बेस ही, पिलर ही आपका अगर पक्का नहीं है, तो ऊपर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसके आपके पास जो है एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो वो आपसे क्लियर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन पार्ट है, वो पक्का होना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक के लिए जाए, आपका बेसिक सबसे पहले प्रिपेयर करें और उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए जाए। अगर आपका बेसिक सही है तो आप यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये आपके 3 स्टेप्स थी जो आपने फॉलो नहीं की थी लास्ट अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में आप ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट आप देख सकते हो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट क्या नहीं हुई है आपसे प्रॉपर, एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन पे अगर आप स्टक हो गए तो वहीं पे रुके, टाइम वेस्ट हो गया, तो आपको ऐसे नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे सबसे पहले सॉल्व कीजिए। तो ये आपको जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है एग्जामिनेशन में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपकी जो स्टेप थी वो थी एग्जाम्स प्रेशर।
कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, एंजाइटी में एग्जामिनेशन देते हैं, तो यहाँ पर उसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है, टाइम मैनेज प्रॉपर नहीं होता। तो आपका अगर प्रिपरेशन पूरा हुआ है, सिलेबस आपने पूरा कवर किया है, प्रैक्टिस रिविजन प्रॉपरली की है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा। प्रेशर कब आएगा आपको, जब आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हुआ नहीं है तब। इसलिए अपना प्रिपरेशन भी आप प्रॉपरली कीजिए, जहाँ से आपको एग्जाम प्रेशर फील नहीं होगा। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा रिविजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, नॉट यूटिलाइजिंग मॉक टेस्ट। तो जैसे मैंने बताया, मॉक टेस्ट आप के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको एग्जैक्टली आइडिया देता है एग्जैक्टली आपकी गेट एग्जामिनेशन कैसी रहेगी, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको आइडिया आ जाता है, एक रफ आइडिया आपको आ जाता है कि एग्जामिनेशन होगा कैसे। तो उस हिसाब से आप आपके वीक एरियाज देख सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ देख सकते हो, और क्वेश्चन उस हिसाब से पेपर में सॉल्व कर सकते हो फाइनल पेपर में। नेक्स्ट, आपका जो लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेप है, वो है अनफैमिलियरिटी विद द सिलेबस। पूरा सिलेबस कवर करें। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम जो होती है अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई बता नहीं सकता कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करना है, जहाँ से आप में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, और ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है अपकमिंग गेट 2024 के लिए। ये कुछ रीजंस होते हैं आपके एग्जामिनेशन के, जो आप यहाँ पर नहीं करते हो, इसलिए ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाता है। देन कॉम्पिटिशन। तो गेट एग्जामिनेशन इज हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसलिए आपको भी प्रिपेयर करना है, स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। IFS के साथ आपका सपना पूरा कर सकते हैं गेट क्लियर करने का। हमारे जो रिकॉर्डेड कोर्सेस है उनके लिए एनरोल करें, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में ये कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। इस एग्जाम रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट्स आपको नहीं दोहराने हैं, ये स्टेप्स आपको नहीं दोहरानी है जो मैंने आपको फर्दर बताई है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन।